देखो ये 2019 से वैसे इसमें माननीय भैरू सिंह जी जब अमेरिका गए तो ये डॉक्टर खरे जो आप अभी आपको मिलेंगे, इनको उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में आके इन्वेस्टमेंट करो, तो इन्होंने बहुत बड़ा कैंपस अपोलो मेडिकल एनिमल हस्बेंड्री की खोली है जिसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं। और उसमें चूंकि ये बराबर अमेरिका रहते हैं, कम आवाजाही होती तो कुछ ऐसे तत्व घुस गए जो उस पर कब्जा कर लिया। इस समय करीबन 4-5 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 32 बीघा ज़मीन और बड़ा कैंपस है। और ये 2019 से अब हमारी सरकार भी आ गई, पिछली सरकार में ये चक्कर निकालते रहे। ACB में 3 प्रकरण दर्ज हैं, तीनों प्रमाणित हैं विभिन्न जांच अधिकारियों से, और अदालत ने कहा है कि ये इसमें काला धन इकट्ठा हो रहा है। ये ED को भी आप संपर्क करो, ACB वाले, और आप इनकम टैक्स से भी मिलके कार्रवाई करो। हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद उनके खाते सील कर दिए थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया है, तथा ट्रस्ट के खाते भी सीज कर दिए थे। लेकिन अब जब ये जांच दोबारा यहाँ घूम फिर के आई तो उनके सारे खाते खोल दिए, और वो जो पूरे राजस्थान के लिए वो कॉलेज बनाया था, राजस्थान के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, इस समय 500 बच्चे हैं जो राजस्थान के मात्र 200 बच्चे हैं। बाहर के लोगों से बड़ी फीस लेकर उनको भर्ती किया जाता है, इसकी भी शिकायत इन्होंने मंत्री को की थी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये 3 FIR हैं जो प्रमाणित हैं, अदालत के आदेश हैं, और आपकी मुंजिमों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं इनको मुख्यमंत्री जी से भी मिलाने ले गया, करीबन 20 दिन पहले मिलाया था मुख्यमंत्री जी ने, इसमें कॉल गौरव श्रीवास्तव जी को कहा था, इसमें गौरव श्रीवास्तव से मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2-3 बार यहाँ भी आ गए तो 92 साल का बुजुर्ग इस चीज़ के लड़ाई, ये भी कह रहे हैं कि ये लूटने का अड्डा नहीं बना, यहाँ चाहे सरकार ले ले इसको, चाहे किसी अच्छे ट्रस्ट या NGO को दे दिया जाए, जनता के हित में मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। और उससे जो काला धन कमाया जा रहा है, उस पर जो लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिनके खिलाफ ACB में केस प्रमाणित हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। ये तुरंत DG साहब को उनको अरेस्ट किया जाए, और हम चलाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ रहेंगे, हम ये अपना ट्रस्ट चलाएंगे, क्यों हम चोरी करने, हम राजस्थान के बच्चों के लिए हमने किया है, न कि बेंगलोर से आ जाएं और पंजाब से आ जाएं यहाँ पे, हमको उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम राजस्थान के बच्चों के लिए चाहते हैं, क्योंकि पैसा मैंने इसीलिए खर्च किया था। तो मैं चाहता हूँ कि DG साहब उनको फौरन अरेस्ट करें। कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 हफ्ते करीब हो गए, उससे इससे भी ज्यादा। अब प्रभावशाली, अब ये तो CM साहब ही जानते हैं कि कौन किसकी दबाव उनके ऊपर है। 5 महीने से अमेरिका छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं, बच्चे इनको वहाँ बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, जो प्रॉपर्टी गई वो गई, आप यहाँ पर आ जाओ। पर ये कह रहे हैं नहीं, वो प्रॉपर्टी जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं आएगी तब तक मैं जयपुर छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन्होंने अभी DG साहब को कह दिया, मैं आपके चैम्बर से बाहर नहीं जाऊँगा, मेरा फैसला करो कि आप उसमें गिरफ्तारी करोगे कि नहीं करोगे। पर इनको मैं मना के लाया हूँ, धरना देने की जरूरत नहीं, 92 साल की उम्र है, कहीं कुछ हो जाए, वर्ष वो सर्दी अलग चालू हो गई, तो मैंने कि धरना मत दो, चलो अब क्या इरादा आपका, चलें। हम हाँ 8 या 9 तारीख को हो रहा है, जो उसमें हम लोगों को कहेंगे भाई हम फंसे ही हुए हैं, ओह हम खुद यहाँ पे 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं अकेले, आपको बाहर से बुलाने की क्या ज़रूरत है। और उसके अलावा एकदम कई ड्रग कंपनी के मैन्युफैक्चरर $1 मिलियन लेकर के रखे हुए हैं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मर्क के, और वो यहाँ पे ड्रग कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन वो कोई आना नहीं चाहता है,
जब तक कि मुख्यमंत्री जी इसको खाली नहीं कराते हैं। मुख्यमंत्री जी डीजी साहब को फौरन कहें कि इसको उनको खाली करो, बिल्डिंग हमारी है, हमने बनवाया है, हमने पैसा खर्च किया है और इसलिए और किसी ने कब्जा कर लिया इसकी, नहीं मतलब ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी साहब तो बार बार कहते हैं, देखते हैं। देखो जो 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 भाई ये बाइदाव मेरे पास आ गए, किसी ने बताया तो मैंने उनको 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला दिया। NRI ये और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ये डिमोलाइज हो गए जब खुद की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया। कब्जे में भी ये नहीं भाई वो जो कंडीशंस हैं इनके ट्रस्ट की कि किसी से जो मापदंड है उनको वॉयलेट करके लाखों एक एक बच्चे से 8-8, 10-10 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और करीबन ऐसा कहना है कि उससे 40 करोड़ रुपए का काला धन ये जिन्होंने कब्जा कर लिया वो कमा रहे हैं। तो एक साल का पब्लिक इंटरेस्ट का मैं वो मेरा जो पैसा मैंने लगाया है वो जनता के हित में काम आए। कोई कॉम्पिटिटर्स अच्छे आए तो पैसा ले लेके जो कम नॉलेज वाले आदमी हैं जो पेपर लीकों में हो रहा है वैसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, डिग्रियां बांट रहे हैं, स्टेप भी कमजोर हो रहा है और हमारे राजस्थान के लोग वंचित हो गए। ये तो आपको जानकारी जो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है पर देखो हाई कोर्ट के आदेश है, ACB की खुद की तीनों FIR में गिरफ्तारी के आदेश है, अकाउंट को सील कर दिया था, चाहे उसका निजी अकाउंट है चाहे कोर्ट का वो ट्रस्ट का अकाउंट है। अब ये जो कौन जो आप श्रीवास्तव बोल रहे हैं उन्होंने अकाउंट खोल दिए बिना कोई कोर्ट को जानकारी दिए, तो पता नहीं किस दबाव में जब मेरे स्तर का व्यक्ति इनको CM से मिला लाया, CM ने कह दिया, उसके बाद भी ऐसे गंभीर प्रकरणों में जो अमेरिका का एक 92 वर्ष का बुजुर्ग ACB के दरवाजे पर खड़ा है तो मैं इसको उचित नहीं मानता। सरकार संवेदनशील है हमारी किंतु यहाँ संवेदन शून्यता क्यों है समझ से बाहर है। अब देखो जो निवेशक हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए पर जिसने निवेश किया 2006 में और 2012 में इनकी कॉलेज चालू हो गई उस पर जब कब्जा कर लिया तो सरकार को उससे कब्जा हटा के ये मैसेज देना चाहिए कि यहाँ निवेशकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ऐसा है आप इनसे पूछें इनसे ही पूछें क्योंकि बड़ा मुख्यमंत्री की अनसुनी कर रहे हैं अधिकारी, क्या लगता है? अब ये तो देखो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मैं तो कह नहीं सकता, मैं तो मंत्री हूँ, मेरे विभाग के अधिकारी तो अनसुनी कर नहीं रहे। बिल्कुल देंगे हम, इसीलिए पहले से कह दे रहे हैं ताकि हमारा काम मंत्री मुख्यमंत्री जी फौरन करें और DG साहब उनको अरेस्ट करें दुर्राम मीना को ताकि और परेशानी आगे मत पड़े, नहीं से बड़ी बदनामी होगी अपने प्रांत की। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? धरना देंगे ठीक है, हम रहेंगे। पहले अभी मैं ये प्रकरण है कि हमारा अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन आगरा रोड पे है, हमने उसको वो मेरा है, मैंने बनवाया था, मैंने फाउंडिंग ट्रस्टी हूँ, मैं ही अकेले ट्रस्टी हूँ। बाद में गलत तरीके से ये दूलराम मीना उसमें जुड़ गए हैं और उनके बच्चे भी हैं साथ में, वो गलत तरीके से हुए हैं लेकिन अब वो कब्जा किए हुए हैं
और सारा पैसा उसका जो आ रहा है कोई हिसाब नहीं देता है, कोई अकाउंट नहीं है। और उसके लिए मैंने डीजी साहब से कहा, सीएम साहब से कई दफ़ा कह चुके, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली हमने ये सोचा कि जब तक हम धरना देंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, और क्योंकि हम 4 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और 4 महीने से मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से वो डी साहब उसको अरेस्ट कर, सब कुछ हो चुका है, चालान बन चुका है, वो चालान नहीं बना है, चालान क्यों नहीं बना रहे हैं, और कोई भी कारण नहीं। बार बार हमको कहते हैं हम कर रहे हैं, हम नवंबर के एंड में ख़त्म कर देंगे, और आज नवंबर का एंड ख़त्म हो रहा है। 2012 तक तो ये ट्रस्ट आपके अधीन ही था, 2013 के बाद में उन्होंने किया है, तो ये तो काफी समय हो गया है, 2013 से 2024 तक का। हाँ, तो मुकदमा चल रहा है, हम बीमार पड़ गए थे बीच में ना, तो काले बन था। कौन है दूल्हे राम मीणा, कौन है जो इतना इतने सालों तक उन्होंने बिना किसी जानकारी के मतलब गबन किया है करोड़ों का? दूल्हे राम मीणा भू माफिया है जयपुर के, और चोर हैं, ठग हैं, वो इससे ज़्यादा हम उनके बारे में और कोई क्वालिफिकेशन दे नहीं सकते। एसीबी ऑफिस आप आए हैं तो क्या कार्रवाई की आपको आसपास? एसीबी ने 3 दफ़ा इंक्वायरी की और सब ने कहा कि हाँ चोरी हुई है। उन्होंने 35-36 करोड़ रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, जबकि ट्रस्टी ले नहीं सकता एक पैसा भी, वो अपने अपने बच्चों को और उनके रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को पैसा दिया है, और अभी भी जो कि वो 1 रुपये भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ले रहे हैं और पैसा गबन कर रहे हैं। और क्या आप धरने पर बैठ गए हैं, निश्चय कर लिया है, तो कब तक आप धरना चलेगा? जब तक कुछ हम कोई ना कोई इसका इलाज करेंगे। कार्रवाई होगी, लेकिन विश्वास नहीं है कार्रवाई हो या नहीं हो। 4 महीने से हम 50 चक्कर काट गए, मुख्यमंत्री जी से मिल लिए, सरकार भी दूल्हे राम के आगे फेल हो चुकी है, सरकार ने भी घुटने टेक दिए दूल्हे राम के भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रही है सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ घुटने टेक चुकी है सरकार, दूल्हे राम के आगे नमस्तक हो गई सरकार।